बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हज़रात, क्या हाल है आप लोग के। राव फजल अजीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम पेश है। दोस्तों, जिस वक्त की फुल न्यू फ्रेश अपडेट्स हैं वो मैं आप लोग की खिदमत में लेके हाजिर हुआ। तो अपडेट शुरू करते हैं। सबसे पहले तमाम लोग मतवज्जो और ये कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, सेव भी कर लीजिएगा, क्योंकि इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हो जाती हैं और सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर सोशल मीडिया अवार्ड शो सीजन 2 होने जा रहा है। तो भी इस हवाले से आपने देख सकते हैं पैनल पर पोस्टर शाया कर दिया गया। इसके मुताबिक ये तस्दीक की गई कि इंशाल्लाह अज़वजल 14 जुलाई 2023 को सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर सोशल मीडिया अवार्ड शो सीजन 2 होगा, जो कि सल्तनत ऑफ ओमान के खूबसूरत शहर मदीनतुल सलाला के अंदर होगा। जी हाँ, इस बार का सोशल मीडिया अवार्ड शो सलाला के अंदर होने जा रहा है। इस अवार्ड शो के हवाले से आप लोगों को बता दें कि ये अवार्ड शो हमारे मारूफ शख्सियत है, सोशल पर्सन है, सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर सभी जानते हैं, ज़ुएब जाफरी भाई, उनकी तरफ से इकदाम किया जा रहा है और हम भी उनके साथ इंशाल्लाह शाना बशाना खड़े हैं। मजीद आप लोगों को बताते कि इस शो के चीफ गेस्ट होंगे पाकिस्तान के एम्बेसडर अमरान अली चौधरी साहब, और इस शो को 4 चांद तब लगेंगे जब पाकिस्तान का मशहूर बैंड सवाल बैंड भी इस शो के अंदर पहुंचेगा और अपने खूबसूरत गीत भी सुनाएगा। इसके वाले से मजीद आप लोगों को बताते कि 7:30 बजे से लेके रात 11 बजे तक 14 तारीख को यौमुल जुमा को ये अवार्ड शो होगा, जो कि हमदान प्लाजा के अंदर होगा। इस शो के अंदर आप लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो भी हजरात सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर सोशल मीडिया का यूज करते हैं या नहीं भी करते हैं, वो ये हैशटैग यूज करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो पब्लिश करें किसी भी पैनल के ऊपर, बेशक टिकटॉक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कहीं पर भी आप लोग अपनी वीडियो पब्लिश करें इस हैशटैग को मिलाकर, जो कि है ओमान SM Award S2। इस हैशटैग को आप लोग यूज करेंगे, सारी वीडियोस को परखा जाएगा ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से और उसके बाद आप लोग को मुतला किया जाएगा, इस शो के अंदर बुलाया जाएगा। तो जितने भी वो हज़रात जो कि ब्लॉगर हो गए, टिकटॉकर हो गए, यूट्यूब पर हो गए, जितने भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो पब्लिश करें इस हैशटैग को मिलाकर, और इंशाल्लाह अज़वजल मुलाकात होगी आप लोगों से हमदान प्लाजा के अंदर 14 जुलाई को, हम भी वहां पर पहुंचेंगे इंशाल्लाह अज़वजल। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं, अल्लाह ताला खैर हो आप ऐसे ओमान सोशल मीडिया अवार्ड सीजन 2 भी सलाला के अंदर हो जाए, आमीन इंशाल्लाह। ठीक हो गया, बात करते हैं दीगर खबरों के हवाले से। बात करते हैं कुछ दाखिले गवर्नमेंट से ओमान की सिविल डिफेंस एम्बुलेंस अथॉरिटीज़ की तरफ से ये एक स्टेटमेंट शाया की गई है। सुबह वाक़ हुआ, तस्वीर भी आप लोग देख सकते हैं, स्माइल के अंदर एक इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर फैक्ट्री के अंदर इस तरह आग लगी, आप लोग देख सकते हैं बहुत शिद्दत की आग लगी है, हंगामी हालात हो गए। अलदाखिला गवर्नमेंट की बलाय स्माइल के अंदर बताया जाता है कि फैक्ट्री के अंदर इस तरह आग लगी है जो कि पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से लगी है। ओमान की सिविल डिफेंस एम्बुलेंस अथॉरिटीज़ की तरफ से बताया जाता है कि काबू पा लिया गया है, कोई जानी नुकसान वगैरह नहीं हुआ, लेकिन इस तरह तो नुकसान हुआ होगा, जो भी आप लोग देख सकते हैं आग बहुत शिद्दत की थी। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इस तरह की आपात से तमाम लोगों को बचाए, आमीन इंशाल्लाह। बात करते हैं कुछ ओमान पुलिस की तरफ से, आप लोग देख सकते हैं स्टेटमेंट शाया की गई, इसके मुताबिक ओमान पुलिस की तरफ से तस्दीक की गई है कि सल्तनत ऑफ ओमान के खूबसूरत शहर सलाला के अंदर इस वक्त के मुताबिक खरीफ का सीज़न शुरू है और बारिशें भी हो रही हैं, वो वक्तन पर वक्तन हो, धुंध भी आसपास के जो पहाड़ हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा है, या सैली पट्टियाँ जितनी भी लगती हैं दफार रीजन की वहाँ पर भी धुंध बहुत ज़्यादा है। तो इनके ऊपर आप लोग ड्राइविंग वगैरह करते हैं रोड्स के ऊपर, तो देखभाल के करें कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। आप लोग देख सकते हैं ऑफिशियल तौर पर ओमान पुलिस की तरफ से आम सिटीजन्स और रेजिडेंट्स की तरफ पैगाम शाया किया कि आप लोग देखभाल के ड्राइविंग वगैरह करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त के मुताबिक धुंध और वक्तन पर वक्तन बूंदाबांदी भी हो रही है। तो जो रूल्स बताए जाते हैं उनको फॉलो करें, या आप लोगों की सेफ्टी के लिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए, आमीन इंशाल्लाह। तो यही तमाम इस वक्त की अपडेट्स हैं। राव फजल अजीम को दीजिए इजाजत, हंसते बसते रहे इंशाल्लाह अज़वजल। अल्लाह हाफिज़।